नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बॉलीवुड मूवीज कलेक्शन एंड गपशप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार जिन्हें बॉलीवुड का खिलाड़ी भी कहते हैं, अक्षय कुमार जो कि पिछले 3 सालों से लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे हैं। इंडिया के बाद अक्षय कुमार की फिल्म चाइना में भी धूम मचा रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पैडमैन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में। फिल्म में अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे ने लीड रोल किया है। फिल्म के डायरेक्टर हैं आर बालकी और फिल्म का बजट है 35 करोड़ रुपए। अगर इसमें अक्षय कुमार की सैलरी को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो फिल्म का बजट जो होता है 70 करोड़ रुपए। फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी 9 फरवरी 2018 को। फिल्म का इंडिया कलेक्शन रहा 80 करोड़ रुपए और इसी के साथ फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब बात करते हैं फिल्म के चाइना कलेक्शन के बारे में। चाइना में पैडमैन को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि चाइना बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की फिल्म एक्वामैन पूरी तरह छाई हुई है। ऐसे में पैडमैन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म ने फर्स्ट डे 12 करोड़ रुपए, सेकंड डे 15 करोड़ रुपए और थर्ड डे लगभग 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का चाइना कलेक्शन जो होता है 40 करोड़ रुपए और चाइनीज़ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 3 पर है। अब बात करते हैं पैडमैन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, बता दें कि फिल्म का चाइना रिलीज से पहले कलेक्शन था लगभग 140 करोड़ रुपए और अब टोटल मिला के होता है 180 करोड़ रुपए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।